बिहार समेत देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण तेज होने का खतरा बढ़ गया है। इस बीच सरकार पूरी अलर्ट मोड पर आ गई है। मंगलवार को सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। इसमें कोविड संक्रमण की आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल कितने तैयार हैं, इसकी समीक्षा की गई। वहीं समस्तीपुर सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर एस के चौधरी के नेतृत्व में ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान प्लांट में ऑक्सीजन के स्टोरेज, सप्लाई और प्रेशर की जांच की गई। साथ ही वार्डों में पाइपलाइन व्यवस्था को भी देखा गया, ताकि भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति समुचित ढंग से हो सके। एक्सपैंड होने की संभावना है, क्योंकि कुछ विदेशी लोगों में केसेस डिटेक्ट किया गया है। इसी के तहत बिहार सरकार भी पूरी तरह अलर्ट है, खास करके हमारा विभाग स्वास्थ्य पर। और पहले भी हम लोग दो साल पहले तक हम लोग करते रहे हैं, हमारा सिस्टम अपडेट है, लेकिन उसको अलर्ट मोड में रखने के लिए कहा गया है। उसके अलावा सबको एक्टिवेट करते हैं। सर, आज ये मॉक ड्रिल कितने बजे तक हुई? 10 बजे शुरू करना था। और भी तो काम देखते हैं ना, केस रिकॉर्ड के अलावा, और हमारा जो सिलेंडर्स है हमारे पास जो उपलब्ध है, डी टाइप भी है, उसको प्लस ऑक्सीजन का सर्वेटर सबों पर हम लोग समय देना है। सर, मीटिंग कर रहे हैं।